हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक पाइथन स्क्रिप्ट को exe एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक पाइथन की फाइल है, पाइथन की स्क्रिप्ट है, जिसमें हम लोगों ने कुछ कोड लिखा हुआ है और हम लोग उस कोड उस वाली स्क्रिप्ट को जिसके अंदर पाइथन का कोड है उसको हम लोग बनाएंगे exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, विंडो एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिससे होगा क्या कि आप डबल क्लिक करके उसको विंडोज़ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो और आप उसको अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वो लोग भी क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग किस पाइथन फाइल को कन्वर्ट करेंगे exe में। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ लें। तो मेरे पास देखिए एक प्रोजेक्ट है टीके इंटर प्रैक्टिस, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है GUI। अगर इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कई सारी फाइलें हैं, और अगर टेक्निकली बात करूँ तो ये GUI का है एक पैकेज है, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर _init_.py फाइल है। दैट मीन्स पाइथन इस फोल्डर को एज अ पैकेज ट्रीट करेगा। तो इस GUI फोल्डर के अंदर हमारा यहाँ पे देखिए कई सारे पाइथन की फाइल्स रखी हुई, calc.py, form.py, helper.py, amon.py। तो हमें सबसे मतलब नहीं, हमें इस calc.py से मतलब होता है, और हमने इस calc.py में कुछ कोड लिख के रखा है। कभी हम क्या करेंगे, आपको ये समझा देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कि ये कोड क्या लिखा है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन करके दिखाता हूँ आपको कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है हमने। तो राइट क्लिक करते हैं और हम इसको देखिए यहाँ पे रन calc है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सिंपल सा खूबसूरत सा कैलकुलेटर हमने बनाया है, और ये कैलकुलेटर फुल फंक्शनिंग है। दैट मीन्स ये अपना काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 + 2 = करता हूँ तो देखिए ये आंसर दे देगा, और ये मल्टीप्लाई वगैरह भी कर देगा आपका, और ये सिंगल डिजिट को डिलीट कर देगा। साथ ही साथ अगर आप सारे डिजिट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की बटन है, इस पर क्लिक करने पे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की विंडो ओपन हो जा रही है, जिसको हमने अभी कंप्लीट नहीं किया, हम कंप्लीट कर लेंगे। बट हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो कोड है, हम इस कोड को पाईचार्म से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम पाईचार्म से इसको चला रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि हम इसका exe फाइल जनरेट कर लें और हम उस exe से क्या करें, पहले चलाएं, उसके बाद हम लोग इंस्टॉलर बना लें, और फिर जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो हम लोग वो इंस्टॉलर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वो बंदा क्या करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल चाहिए होगा जिसका नाम है पाई इंस्टॉलर। कौन सा मॉड्यूल चाहिए होगा, पाई इंस्टॉलर। तो आप क्या करोगे, गूगल ओपन करोगे। तो हम क्या करेंगे, हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग वेबसाइट ओपन करेंगे। देखिए, या आप गूगल पे सर्च कर लीजिए पाई इंस्टॉलर, आप गूगल पे सर्च करिए पाई इंस्टॉलर, और जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पाई इंस्टॉलर 3.5, और उसके बाद पाई इंस्टॉलर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, और यहाँ पाई इंस्टॉलर की ऑफिशियल वेबसाइट भी लिखी हुई है, आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पे क्विक इंस्टॉल करूँगा और जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आप ऐसा ऐसा करते जाइए। तो पाई इंस्टॉलर को इंस्टॉल करने के लिए देखिए कमांड लिखा हुआ पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। जैसे आप इंस्टॉल करोगे ये पाई इंस्टॉलर मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। चले हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है टर्मिनल का, इस टर्मिनल के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और मैं CLS करके इसको क्लियर कर लूँगा। और आप देख पाओगे क्योंकि ये टर्मिनल मैंने लॉन्च किया है पाईचार्म से, तो ये देखिए VENV लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये वर्चुअल एनवायरनमेंट चल रहा है, ये यहाँ का वर्चुअल एनवायरनमेंट चल रहा है, ये वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो अगर आपने कोई डिपेंडेंसी डाउनलोड की होगी तो वो डिपेंडेंसी इसी में होगी, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करिए, सिंपल इस पर कमांड चलाइए pip। सबसे पहला एक चीज़ और देख लीजिए, pip कमांड चलाने से पहले आप देखिए pip चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर pip का वर्जन चेक कर लीजिए, अगर pip का वर्जन यहाँ पे आ जाएगा, देखिए pip 10.0, दैट मीन्स pip का पाथ सेट है और यहाँ पे आ जा रहा है। अदरवाइज आपको पाथ वगैरह सेट करना होगा पाईचार्म में, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी। अगर आपका देखिए यहाँ पे वर्जन दिख गया, इसका मतलब pip चल रहा है, और अगर pip चल रहा है तो हम क्या करेंगे, अपना मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। हम लिखेंगे pip इंस्टॉल और हम यहाँ डाल देंगे पाई इंस्टॉलर और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई इंस्टॉलर, देखिए ऑलरेडी सेटिस्फाइड
ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ऑलरेडी सेटिस्फाइड, दैट मीन्स कि हमारे में पहले से इंस्टॉल था, आपके में थोड़ा सा टाइम लेगा और पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा। जब पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, हम exe फाइल बनाएंगे इस calc.py की, इस exe फाइल बनाएंगे। और जैसे ही मैं exe फाइल बना रहा हूँ आप लोग भी वैसे ही बनाइएगा, आप क्या कर सकते हो स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं calc.py का बना रहा हूँ, इसी तरह मैं form.py का बना सकता हूँ इसका, इसी तरह हम helper.py का बना सकते हैं, किसी भी पाइथन स्क्रिप्ट का बना सकते हैं जहाँ से आपका पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी ये देखिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी है tk practice, दैट मीन्स आपका जो टर्मिनल है वो यहाँ पर, और आपकी फाइल रखी है gy के अंदर calc.py। तो हम वैसे ही कमांड चलाएंगे, देखिए कैसे, हम यहाँ लिखेंगे पाई इंस्टॉलर और हम यहाँ लिखेंगे डैश डैश वन फाइल और स्पेस, और अब हमें अपनी फाइल का पाथ देना है, वो पाइथन स्क्रिप्ट का पाथ देना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले फोल्डर का नाम, क्योंकि टीके प्रैक्टिस के अंदर जीवाई है और उसके बाद हमें मिल जाएगा calc.py। सिंपल, देख लीजिए मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एंटर कर देंगे, और ये बेसिकली हमारा पाथ है अब हमारे स्क्रिप्ट का। अगर आपका जो स्क्रिप्ट होता वो सेम फोल्डर में होता तो आप सिर्फ calc.py लिख देते, अगर यही स्क्रिप्ट किसी और फोल्डर में होता तो आप उस फोल्डर के साथ इसका नाम लिख देते, दैट मीन्स ये आपकी फाइल का पाथ होना चाहिए। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इस exe फाइल को बनाने के लिए, विंडो एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट हो गया तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा और मैं आऊँगा अपने टीके एंटर वाले प्रोजेक्ट पे, टीके प्रैक्टिस वाले प्रोजेक्ट पे। तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं अभी, और हमें यहाँ पे दो फोल्डर नए दिखेंगे, एक डिस्ट का फोल्डर नया दिखेगा और एक बिल्ड का फोल्डर नया दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्ट वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और हमें यहाँ दिखेगा calc.exe फाइल। अब हम क्या करेंगे, कुछ अभी करेंगे काम, हम लोग पहले बिल्ड को भी देख लेते हैं। तो बिल्ड में भी एक कैलसी नाम का फोल्डर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको अभी धीरे से बंद कर देंगे और हम डिस्ट को भी बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट को कॉपी करेंगे और सिंपली हम डेस्कटॉप पे उठा के ले आएंगे, डिस्ट को कॉपी करेंगे और सिंपली हम डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बनाएंगे, हम बना देते हैं python_calc और हम यहाँ पर उस डिस्ट को पेस्ट कर देते हैं। और डिस्ट के अंदर हमारा देखिए exe फाइल है, calc.exe फाइल है। इस फाइल को हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, बट अभी ये फाइल चलेगी नहीं, मैं बताता हूँ क्यों फाइल नहीं चलेगी और हम क्या करेंगे उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एरर आ गई। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो मेरा GUI के अंदर calc था वो एक इमेज को यूज़ कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, ये देखिए जो हमारा calc.exe मतलब पाइथन की स्क्रिप्ट थी calc वाली, वो यूज़ कर रही है cal_icon.png फाइल, और यहाँ पे आपने जो फोल्डर कॉपी किया है इस वाली फाइल को वो png फाइल नहीं मिल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखिए, अगर हम gy फोल्डर के अंदर हैं तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है .../ का मतलब होता है कि पेरेंट डायरेक्टरी, तो इस calc की पेरेंट डायरेक्टरी का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी मतलब gy और पेरेंट डायरेक्टरी मतलब इसके एक फोल्डर ऊपर एक फाइल होगी, तो gy करंट डायरेक्टरी हो गया, इसके ऊपर मतलब tk में ये वाली फाइल रखी है cal_icon.png ये वाली फाइल। तो हम इस फाइल को कॉपी कर लेंगे सिंपली, अगर यहाँ पे आप ./ लिख देते दैट मीन्स करंट डायरेक्टरी, लेकिन आपने यहाँ पे .// लिखा है दैट मीन्स पेरेंट डायरेक्टरी, और इसकी पेरेंट डायरेक्टरी ये वाली फाइल है, ठीक है, करंट डायरेक्टरी मतलब उसी डायरेक्टरी में, पेरेंट डायरेक्टरी मतलब इसके पेरेंट की डायरेक्टरी, और हम इस फाइल को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे अपने डेस्कटॉप वाले calc वाले फोल्डर में, यहाँ पे पाइथन calc वाले फोल्डर में, और आप ध्यान से देखोगे ये समझ लो आपकी वही calc.py फाइल है, तो यहाँ पे उसको पेस्ट नहीं करना है, इसके पेरेंट डायरेक्टरी में, दैट मीन्स आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हम राइट क्लिक करेंगे, सिंपली पेस्ट कर देंगे अपनी फाइल। अब हम अंदर जाके अपने इस प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे सिंपली रन हो जाएगा। तो आपको फाइल्स बहुत
बहुत ही ध्यान रख के मैनेज करना है। अगर आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर, देखिए यहाँ पे रन हो गया, तो अगर आप क्या करोगे, ध्यान से मैनेज नहीं करोगे फाइल्स आपने रखी कहाँ है, उसका रिलेटिव पाथ, तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे, सिंपली हमारा ये सारा काम होगा। तो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मैंने यहाँ पे फाइल यूज़ की थी वो डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है, आपने जो अभी इस वाली फाइल, ये वाली फाइल है कैलसी डॉट पी वाई, इसके पैरेंट डायरेक्टरी में आपने ये इमेज रखी हुई है। तो करंट डायरेक्टरी मतलब जी वाई, ये करंट डायरेक्टरी थी, और पैरेंट डायरेक्टरी मतलब जी वाई की पैरेंट मतलब दिस डायरेक्टरी टी के प्रैक्टिस, यहाँ पे हमने इमेज फाइल रखी थी। तो मैं क्या करूँगा, अपनी इमेज फाइल को कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद ये हमारी स्क्रिप्ट है, तो हम इस फाइल में नहीं पेस्ट करें, इस फोल्डर में नहीं पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने इस स्क्रिप्ट में यूज़ किया है डॉट डॉट स्लैश, दैट मीन्स पैरेंट डायरेक्टरी, और हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे पैरेंट डायरेक्टरी। अगर यहाँ पे हमने यूज़ किया होता सिर्फ डॉट स्लैश, दैट मीन करंट डायरेक्टरी, और उस बार मैं कॉपी करके यहाँ पे आता और इसके अंदर पेस्ट करता, इसीलिए हमको रिलेटिव पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है देना। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को बंद कर सकते हैं पाईचार्म को, और ये हमारा बन गया ई एक्स ई इंस्टॉलर, ई एक्स ई एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया। आप कोई भी बंदा आएगा और सिंपल डिस्ट में कैलसी को रन कर देगा। तो देखिए सिंपल कैलसी रन हो गई, और ये क्या है कि देखिए ये एक ई एक्स ई फाइल है, ये डॉट पी वाई फाइल नहीं है, तो ये ओपन भी नहीं होगी, एडिट विद नोट पैड वगैरह नहीं होगी, और अगर आप नोट पैड करते भी हो तो देखिए सिंपल इसमें कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा, दैट मीन्स ये सिंपल विंडो पे डायरेक्ट क्लिक करके रन हो जाएगी।